नमस्ते, मेरा नाम मनीष है। मैं आज आपसे बाइसेप से रिलेटेड कुछ वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्कआउट से, जिसका नाम है बारबेल कर्लिंग। इसके लिए आपको चाहिए एक बारबेल और दो प्लेट, और आपका ग्रिप रहेगा आपके शोल्डर के हिसाब से, मतलब आपका शोल्डर जितना वाइड है उतना ही आपका ग्रिप भी रहना चाहिए। तो मैं अपने शोल्डर के हिसाब से ग्रिप ले ले रहा हूँ, और आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जाते टाइम आपको ब्रीथ आउट करना है और नीचे आते टाइम आपको ब्रीथ इन करना है। चेस्ट अप रहना चाहिए और कोर मसल जो है वो टाइट रहना चाहिए। तो मूव करते हैं हमारे दूसरे एक्सरसाइज के तरफ, जो है डंबल कर्ल। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 7.5 के डंबल्स। आप अगर चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग वेट चूज़ कर सकते हैं। तो सेम रूल है इसके लिए भी, जैसा कि पहले वर्कआउट में मैंने बताया था, उठाते टाइम जो है आपको ब्रीथ आउट करना है, और नीचे जब आएगा डंबल तो आपको ब्रीथ इन करना है, और आपका चेस्ट अप रहना चाहिए और कोर मसल जो है वो टाइट, और आपको ऊपर लाके पूरा स्क्वीज करना है डंबल को। तो चलिए हम अपने थर्ड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हैमर कर्ल। इसमें भी रूल सेम रहने वाले हैं, आपको चेस्ट अप रखना है, कोर टाइट रखना है, और आपको डंबल को हैमर ग्रिप की तरह पकड़ना है ऐसे। और रूल सेम रहने वाले हैं इसके लिए भी, चेस्ट अप, कोर टाइट, और अच्छे से स्क्वीज करना है, और उठाते समय ब्रीद आउट, और नीचे जब आता है तब ब्रीद इन करना है आपको। और आपको बहुत ही कंट्रोल वे में एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो अब हम मूव करेंगे अपने फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है कंसेंट्रेशन डंबल कर्ल, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 7.5 का डंबल। आप कोई भी डंबल यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाथ हमें जो है अपने थाइस पे बिल्कुल रखना है, सपोर्ट देके रखना है, और जो है कि इसमें भी सेम होगा, ऊपर आते टाइम ब्रीद आउट और नीचे जाते टाइम जो है आपको ब्रीद इन करना है। और ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत ही कंट्रोल वे में फॉर्म सही होना चाहिए आपका, और उसके बाद आपको करना है ये एक्सरसाइज। अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड या वर्कआउट से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, तो फिटनेस पॉइंट जामनगर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।